राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा का सेमीफाइनल है और सत्ता के इस सेमीफाइनल में मोदी लहर को थामने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष को एकजुट करने की खूब कोशिश की, लेकिन मायूसी हाथ लगी। भले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीएसपी को अपने साथ लाने की बात कह रही हो, लेकिन सेमीफाइनल में तो मायावती ने राहुल गांधी को ठेंगा दिखा दिया। आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीएसपी का गठजोड़ क्यों नहीं हो पाया? दोनों के बीच फेविकोल का जोड़ क्यों नहीं लग पाया? इस पर देर से ही सही, लेकिन पर्दा उठ चुका है। गठबंधन नहीं होने की वजह का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किया है। उन्होंने बताया कि पहली वजह तो सीटों की संख्या और दूसरी राज्य के कुछ विशेष सीटों को लेकर मायावती की नाजायज मांग। कमलनाथ ने कहा, छिंदवाड़ा और इंदौर से भी मायावती एक एक सीट मांग रही थी, जहां उन्हें 1000 वोट से ज्यादा नहीं मिल पाते। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्य की 25 सीटें ऑफर की थी, लेकिन वो 50 सीटों की मांग पर अड़ गई थी, जो संभव नहीं था। वैसे छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, यहाँ से वो 9 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। ऐसे में जब मायावती ने यहाँ से सीट मांगी तो कांग्रेस ने भी ठेंगा दिखा दिया। एक तरह से देखा जाए तो चुनाव से ऐन मौके पर कमलनाथ ने ना सिर्फ कांग्रेस बीएसपी के बीच गठबंधन नहीं होने की वजह बताई, बल्कि सीटों को लेकर मायावती के लालच को भी उजागर कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस मायावती के लिए कांग्रेस के हाथों से मध्य प्रदेश की सीटें नहीं निकल पा रही है, क्या वो लोकसभा में बहन जी को अपने संग ला पाएगी।